लाइन से चलो, सब लोग लाइन से चलते रहो, ट्रेन से जो भी यात्री उतर रहे हैं सब लोग लाइन से चलते रहो। अरे सर जी, लाइन से ही तो चल रहे हैं, बेलाइन से थोड़ी चल रहे हैं। अरे जबान लड़ा दे, मैं लाइन से चलने को बोल रहा हूँ, उल्टी बात कर रहे हो तुम। टिकट दिखाओ अपना। तुम सब लोग कहाँ से आ रहे हो? सब लोग अपना अपना टिकट दिखाओ। सर जी हम गुजरात से आ रहे हैं, और रही टिकट की बात, टिकट अभी दिखा देते। कोई बिना टिकट के यात्रा थोड़ी कर रहे हैं हम ट्रेन में। राहुल सारे लोगों के इकट्ठे टिकट तुम्हारे पास थे, टिकट दिखा दो इन सर जी को। मोदी जी, जो आपने मुझे टिकट दिए थे वो रेल के टिकट तो मैंने योगी जी को दे दिए थे। योगी जी आप पे टिकट होंगे, इन सर जी को दिखा दो। एक तो पैर के दर्द का बहाना करके ये केजरीवाल जी मेरे पीठ के ऊपर बैठे हुए हैं, इन्हें उठा के चलना बड़ा मुश्किल होता है। योगी जी जल्दी से सर जी को टिकट दिखा दो। राहुल तुमने जो मुझे टिकट दिए थे वो सारे के सारे टिकट तो मैंने अखिलेश को दे दिए थे, अखिलेश के पास होंगे वो टिकट। राहुल योगी जी कैसे एक दूसरे के ऊपर टाल रहे हूँ, जल्दी से जल्दी टिकट दिखाओ, नहीं तो ये सर जी भड़क जाएंगे। क्या हुआ, अभी तक तुम लोगों ने टिकट नहीं दिखाया, एक दूसरे के ऊपर बहाने बना रहे हो? मुझे लगता है तुम बिना टिकट के ही रेल में यात्रा कर रहे थे। सब लोग इधर आ जाओ। नहीं सर जी ऐसी कोई बात नहीं है, अखिलेश के पास टिकट है, मैंने टिकट राहुल को दे दिए थे, राहुल ने योगी जी को दे दिए थे, और योगी जी ने सारे के सारे टिकट अखिलेश को दे दिए। अखिलेश अभी टिकट आपको दिखा रहा है। मेरे पास टिकट उकट नहीं है, मैंने तो टिकट केजरीवाल जी को दे दिए थे, केजरीवाल जी से मांगो। क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर बहाने बना रहे हो। टिकट में इतना वजन था कि एक दूसरे को देते चले गए, अगर टिकट नहीं मिला तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी और लंबा डंडे देना पड़ेगा आप लोगों को। केजरीवाल जी जल्दी से जल्दी सर जी को टिकट दिखाओ। मोदी जी ये अखिलेश तो झूठ बोल रहा है, इसे अखिलेश ने मुझे टिकट कब दिए, मेरे पास तो टिकट है ही नहीं। क्या भाई साहब यहाँ पर कोई नौटंकी चल रही है, एक दूसरे के ऊपर टालते जा रहे हो, टालते जा रहे हो। पीछे देखो यात्रियों की कितनी लंबी लाइन लग गई, तुम लोग कितनी देर से खड़े हुए हो, टिकट दिखा रहे हो रेल का, या दंड डालूं तुम्हारे ऊपर? आप अपने साथियों से तो कह रहे हो कि टिकट में इतना वजन था जो एक दूसरे को देते चले गए, तुमने भी तो टिकट दूसरे को दे दिया था, तुमने टिकट दूसरे को क्यों दिया था, क्या टिकट में इतना वजन था? अरे सर जी भड़को मत, मैंने जेब में हाथ डाल के नहीं देखा था, टिकट तो मेरे ही पास है, ये लो। बिना टिकट के मैं कहीं नहीं चलता हूँ। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अखिलेश बाल बहुत बड़े हो गए, बाल काट दो आज मेरे। काफी दिन से खेतों पे काम करते करते बाल कटाने का मौका ही नहीं मिला, चलो आज बाल काट दो मेरे। अभी लो राहुल भैया, अभी काटता हूँ मैं आपके बाल। ये बताओ कितने कितने काट दूँ, ज्यादा छोटे कर दूँ या कम छोटे करूँ बाल को? अरे अखिलेश बाल ज्यादा छोटे मत काटना, ज्यादा छोटे बाल मुझे पसंद नहीं है, थोड़े थोड़े से काट दो बस। अखिलेश राहुल के बाल कटिंग में कितना वक्त लगेगा, जरा मुझे भी थोड़े थोड़े बाल कटाना है, राहुल के बाल जल्दी जल्दी से काट दो। अखिलेश मोदी जी की बातों में मत आना, मेरे बालों को आराम आराम से काटना, जल्दी की कोई जरूरत नहीं है। और मोदी जी खेतों में फसल उसल कैसी चल रही है, मेरा मतलब फसल तो ठीक है खेतों में? राहुल फसल तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी फसल के चारों तरफ चर्ची है, तुम्हारी बैंगन की सब्जी बहुत अच्छी हुई है इस बार, हर तरफ तुम्हारी चर्चा हो रही है। मोदी जी मेहनत का फल है, दिन रात मैं बैंगन की खेती में ही लगा रहता था, देखो बाल कटाने तक का ध्यान नहीं रहा, आज बाल कटाने आया हूँ पूरे महीने बाद। योगी जी आपके करेले की भी तो सब्जी बहुत अच्छी चल रही है। हाँ राहुल मेरे करेले की भी फसल बहुत अच्छी खासी है, अब देखो मंडी में अच्छे रेट में बिक जाए तभी कुछ काम चले। अगले जल्दी जल्दी से राहुल के बाल काटो, उसके बाद मुझे भी अपनी कटिंग कराना। योगी जी मेरे बाद तो बाल मोदी जी कटाएंगे, आपका नंबर तो मोदी जी के बाद आएगा। योगी जी आप तो आते ही आपत काटने लगते हो, थोड़ी देर रुक तो जाओ, राहुल भैया के बाल काटने दो, उसके बाद मोदी जी के बाल काट दूंगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा। अरे ये क्या हो गया, क्या हुआ अखिलेश कुछ तो बताओ। अरे वो कुछ नहीं राहुल भैया, कुछ नहीं हुआ, आप आराम से बैठे रहो और सामने आईने की तरफ मत देखना, नीचे देखे रहना। अरे अखिलेश ये क्या कर दिया तुमने, मोदी जी क्या कर दिया अखिलेश ने मुझे तो बताओ। अरे राहुल सामने आईने में तो देखो, तुमने तो बाल छोटे करने को कहा था अखिलेश ने, इसने तो एक तरफ के बाल तुम्हारे जड़ से ही काट दिए, गंजा बना दिया तुम्हें एक तरफ से। अरे अखिलेश ये क्या कर दिया तूने, मैंने तुझसे कहा था बालों को थोड़े थोड़े से काटना, तूने तो पूरी तरीके से गंजा कर दिया एक साइड से। राहुल भाई ये नया स्टाइल चला है, इसीलिए मैं बालों के नए स्टाइल की कटिंग कर रहा था, एक तरफ से गंजी एक तरफ से बाल। अरे बाहर में गया तेरा स्टाइल, पूरी तरीके से गंजा बना दे मुझे, आज के बाद तेरे पास कटिंग कराने आऊंगा ही नहीं। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल सेठ जी मुझे लगता है आपने मेरे ठेले पर कुछ ज्यादा ही भूसा लाद दिया, ये ठेला खींचे से नहीं खींच रहा है, इतनी मेहनत से इस ठेले को खींच रहा हूँ लेकिन खींच ही नहीं पा रहा है। अच्छा राहुल सेठ जी एक बात बताना, आप गांव से ये भूसा खरीद के ले जाते हैं और शहर में फैक्ट्री में जाके बेचते हैं, आपको काफी फायदा होता होगा। देखो मोती जी तुम इन चक्रों में मत पड़ो, तुम अपना ठेला चलाओ, तुम्हें भाड़े से मतलब है, अपना भाड़ा ले लेना, मुझे इस भूसे को जल्द से जल्द फैक्ट्री पहुंचाना है। चलो कोई बात नहीं है राहुल सेठ जी, लेकिन थोड़ा धक्का तो लगा दो
तभी तो जल्दी पहुंचेंगे फैक्ट्री इस भूसे को लेके, क्योंकि ठेला मैं अकेले खींच नहीं पा रहा हूँ, ठेला ओवरलोड है। मोदी जी पैसे भी तो ओवरलोड ले रहे हो तुम, मेरे इस भूसे को गांव से शहर फैक्ट्री तक पहुंचाने के पूरे 2000 रुपए ले रहे हो, तो अकेले ही खींचो। चलो कोई बात नहीं, अकेले ही खींचते। अरे अखिलेश आ गया, अखिलेश थोड़ा सा भूसे से भरे हुए ठेले में धक्का लगा देना, 50 रुपए दे दूंगा। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, अपने ठेले में इतना ज्यादा भूसा भर क्यों लेते हो? ये राहुल सेठ जी ज्यादा पैसे का लालच दे देते, तुम अपने ठेले में ओवरलोड भूसा भर लेते हो। इतना ज्यादा भूसा मत भरा करो अपने ठेले में, नहीं तो किसी दिन नुकसान उठा जाओगे। रोको मोदी जी, अपने ठेले को यहीं पे रोक लो, यहीं रोक लो इस ठेले को। लालू इंस्पेक्टर जी बताओ क्या बात हुई, मैं इस ठेलों को क्यों रोक लूं बताओ तो। पहली बात तो ये बताओ, तुमने अपने ठेले को रेल बना रखा है, इतना ज्यादा भूसा लाद रखा है, आगे जाके ज्यादा ट्रैफिक होने वाला है, वहाँ तो जाम लगा दोगे तुम, इसीलिए तुम्हारे ओवरलोड ठेले का चालान कटेगा। अखिलेश क्या घर से करेले की सब्जी खाकर आए थे जो इतनी कड़वी बात बोली तुमने कि नुकसान उठा जाओगे आगे? वाकई में नुकसान हो गया, देखो अब मेरा चालान कट रहा है ठेले का। लालू जी कितने रुपए का चालान कटेगा बताओ? पूरे 4000 रुपए का चालान कटेगा तुम्हारे इस ओवरलोड ठेले का। अरे लालू जी क्या बात करते हो, 2000 का तो मुझे भाड़ा ही मिल रहा था और आप 4000 का चालान काटने की बात कर रहे हो? चालान थोड़ा कम कर दो, नहीं तो मुझे घाटा हो जाएगा, 2000 रुपए का मुझे भाड़ा मिलेगा और 4000 का चालान कट जाएगा। राहुल सेठ जी इस चालान के पैसे तुम दोगे? मोदी जी मैं चालान के पैसे क्यों दूंगा, मैं तो अपना भाड़ा दूंगा, फैक्ट्री तक भूस पहुंचाओ उसका भाड़ा दूंगा। आप ओवरलोड ठेले में भूसा लाते ही क्यों? और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।